नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन 31 अगस्त 2023 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 अगस्त को पूरे भारत में सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा होना है ऑफलाइन, और 10 दिन में रिजल्ट आ जाए ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। तो हम बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जिस तरह हम लोगों के कहने पे बीएड और डीएलएड वाले को अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिए, और उनके लिए आपने ये शर्त रखी थी कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, उनके लिए शर्त ये थी कि 31 अगस्त 2023 तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, तो वही शर्त आप सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों के लिए भी रखिए कि सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में फॉर्म भर सके और 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, ऐसी शर्त आप इसमें भी रखिए। अगर आप 31 अगस्त तक रिजल्ट आने का शर्त रखेंगे तो फिर आप जो मौका दे रहे हैं सीटेट जुलाई वाले को, तो इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 20 अगस्त को तो परीक्षा ही होनी है सीटेट की, तो 10 दिन में रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से हम ये मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में जो है उनसे हम ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और उनके लिए ये शर्त रखिए कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, जिस तरह से बीएड और डीएलएड वालों के लिए आपने शर्त रखी कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, उसी तरह आप सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये शर्त रखिए कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, और सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को आप बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट जुलाई वाले हैं जो अपियरिंग में फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि सीटेट दिसंबर में जो हुई थी उसमें जो पेपर टू पास कर चुके हैं या पहले पेपर टू पास कर चुके हैं सीटेट में, तो उनके लिए 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। इसलिए सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और उनके लिए शर्त रखिए कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, जैसा कि आपने बीएड और डीएलएड के लिए शर्त रखी है कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए। रिजल्ट का शर्त ना रखिए, क्योंकि रिजल्ट का शर्त अगर आप 31 अगस्त तक रखिएगा कि रिजल्ट आ जानी चाहिए तो ये संभव ही नहीं है। तो जिस तरह बीएड और डीएलएड के लिए शर्त है कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, उसी तरह सीटेट जुलाई वाले के लिए भी आप ये शर्त रखिए कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, और हजारों अभ्यर्थी जो सीटेट जुलाई में अपियर हो रहे हैं उनको मौका मिले बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का, ताकि उनके साथ न्याय हो, उनके साथ इंसाफ हो। तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई वाले को भी अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और उनके लिए शर्त रखिए कि 31 अगस्त तक उनकी परीक्षा हो जानी चाहिए, ताकि हजारों लाखों जो अभ्यर्थी है उनको न्याय मिल सके।